हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आईफोन 14 के साथ में इसके अंदर बहुत सारी नई फीचर्स वगैरह भी लाई हुई है। वैसे तो हर अपग्रेड के बाद हर नए आईफोन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं नई, बट इस बार भी वैसे ही कुछ ना कुछ काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले तो ये चीज़ आप ये देखिए, इसके अंदर जो डेट्स वगैरह आते हैं ये इसके पीछे भी छुप जाते हैं। और यहाँ पे खाली ये नहीं कि ये वाला है पहले से, इसीलिए आप अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा भी अपना भी फोटोग्राफ वगैरह अगर डालते हैं तो भी उसके पीछे ये डेट्स वगैरह शो हो जाते हैं, जिससे कि दैट लुक्स क्वाइट ब्यूटिफुल। उसके बाद यहाँ पे ये लॉक स्क्रीन आप अगर लॉक भी कर देंगे उसके बाद भी डिम रहती है, बट इससे बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। उसके बाद अगर हम कुछ और यूनिक चीज़ों की बात करें तो इफ़ यू गो इन द फोटोज़, तो फोटोज़ के अंदर जैसे कि ये है, देखो ये मिस्टी हमारी, इसको हम अगर ऐसे पकड़ के कॉपी करना चाहें, शेयर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और इसके साइड साइड से आप ये देखिए, एक वो जा रही है लाइटिंग विच शोज़ कि ये हाई लाइटेड है। तो आप इसको कॉपी करके नोट्स में जाके या कहीं पे भी और आप इसको कर सकते हो शेयर, या अपने मैक वगैरह में कहीं भी इसको सेव कर सकते हो आप। तो फॉर एग्जांपल यहाँ जाके मैंने जैसे कर दिया इसको सेव, एंड आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बैकग्राउंड हैज़ बीन सॉर्टेड क्लियर्ड। यहाँ तक कि अगर फोटोज़ में कोई और एड्रेस दिया हुआ है तो आप उस एड्रेस को कॉपी करके, कॉपी भी नहीं करना है आपको, सीधे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये एड्रेस है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे ये उस एड्रेस पे मैप लोकेशन ही लेके जाएगा। आपको कॉपी वगैरह करने की भी नीड नहीं है कहीं पे भी, इतना एडवांस है। और यहाँ पे अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप सीधे यहाँ से कॉपी करके यू कैन कॉल, या फिर यू कैन एडिट अप टू योर कॉन्टैक्ट्स। ये नहीं कि आपको कॉपी करके कॉन्टैक्ट्स में ऐड करके उसके बाद करना होगा सेव। और ये फीचर सिर्फ आपके फ़ोटोज़ में नहीं, वीडियोज़ में भी है। कोई भी आप अगर देख रहे हैं वीडियो, उसमें भी अगर कोई टेक्स्ट वगैरह या कोई भी और चीज़ें हैं तो आप उसको भी वहीं से कॉपी कर सकते हैं। ये था दूसरा। थर्ड, इसके अंदर हैरी पॉटर के बहुत सारे स्पेल हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं आपके सिर्फ बोलने से ही। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर है एक लुमॉस के नाम से, हे सिरी, लुमॉस इट्स ऑन नाउ। ये देखिए इट्स ऑन नाउ बोल के यहाँ पे अपने आप ऑन हो चुका है। हे सिरी नॉक्स इट्स ऑफ नाउ, यहाँ पे लाइट भी अपने आप ऑफ हो गया। तो ऐसे ही करके आपने अगर हैरी पॉटर की फिल्म देख रखी हो तो वहाँ पे जो भी सारे स्पेल्स हैं यू कैन एक्सपेरिमेंट इट ऑन योर आईफोन 14 और iOS 16। ये फीचर्स एक्चुअली सिर्फ iOS 16 के लिए अभी तक है, जो कि अभी आई हुई है लेटेस्ट। और इसके बाद जैसे कि आपका अगर आईफोन लॉक रहता है, लॉक में भी अगर किसी को ऊपर से ये सेटिंग्स करना रहता है यूज़ यहाँ से, तो आप उसको लोग यूज़ कर पाते हैं। बट अब इस iOS 16 में आके सेटिंग्स में जाके आप उस कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं ऑफ, सो दैट कि लॉक स्क्रीन से कोई भी उसको यूज़ नहीं कर पाता है। एक और बहुत अच्छा जो इसके अंदर है ऑप्शन अभी, वो है आपका एडिट सेंट मैसेज का भी। आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी, जैसे कि आप कोई मैसेज आपने किसी को भेज दिया है हेलो, और आपको उसको करना है एडिट, तो आप इस पर सिंपली क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, तो पहले वाला मैसेज दिखेगा ही नहीं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हेलो वाला जो था मैसेज वो है ही नहीं, यहाँ पे आ चुका है हेलो अभी। तो इससे क्या रहता है कि, और अनसेंड वाला तो खैर बहुत पहले से ही था, अंडू अनसेंड, अगर अंडू करना है आपको अगर सेंड, ये हो गया गायब, एडिट करना था तो भी, तो खैर एडिट वाला जो है ऑप्शन वो अभी आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो है लॉक स्क्रीन भी इसका काफ़ी वो चुका है चेंज, तो आप इस पर जाके सिंपली इसको एडिट कर सकते हैं। और ये अलग अलग
तरीके के लॉक स्क्रीन के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं और इसके अंदर जाके आप इसको और फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यू कैन ऐड योर विजेट्स हेयर। विजेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं अब नई, एक UI, टाइम, कैलेंडर, एप्पल वॉच, बैटरीज और भी जो भी आपके इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं अगर वो ऐप विजेट्स सपोर्ट करती हैं तो वो यहाँ पे आ जाती हैं। और आप अगर यहाँ विजेट नहीं यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है, ये जो टाइम का है ऑप्शन, ये अगर आप कोई ऐसा लगाते हैं फ़ोटो तो उसके पीछे भी डेट ये चला जाता है, बट आप अगर यहाँ यूज़ करते हैं कोई भी विजेट तो वो वाला ऑप्शन काम नहीं करता है। एप्पल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर बार लेवल और करते रहती है क्रॉस। अभी जैसे कि एक मैंने जस्ट ये इमेज है, आप अगर यहाँ जाएंगे और इमेज के नीचे ये देखेंगे ये वाला ऑप्शन है, इस पर सिंपली आप अगर करेंगे क्लिक तो आपको इसके बारे में, बर्ड के बारे में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन बता देता है वो। नोट्स वगैरह में भी काफ़ी सिक्योरिटी और इम्प्रूवमेंट अब आ चुकी है, जैसे कि आप अगर ये देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी आपका अगर नोट है उसको आप जाके कर सकते हैं यहाँ से लॉक नोट। और उसके बाद यहाँ दो ऑप्शन है कि फेस आईडी आईफोन पासवर्ड से आपको करना है लॉक, तो अभी मैंने जैसे कि इसको कर दिया है लॉक विद द लॉक पासवर्ड। उसके बाद अगर इसको कोई भी ओपन करने के लिए जाएगा आफ्टर द लॉक तो वहाँ से वो फेस आईडी या फिर वो पासकोड पूछेगा, उसके बाद ही वो उसको अनलॉक कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा उसको लॉक। और सेम चीज़ कैन बी यूज फॉर द फोटोग्राफ्स ऑल्सो, जैसे नोट्स को आप कर रहे हैं लॉक वैसे ही करके कोई भी फोटोग्राफ को जाके आप उसको हाइड या फिर वो भी कर सकते हैं, सो दैट इट इज़ मच मोर सिक्योर्ड। बहुत लोगों को ये चीज़ें बहुत टाइम से नीड भी थी तो मिल गई फाइनली इस बार। इसमें और भी बहुत सारे वो होते हैं शॉर्टकट्स, जैसे कि इसमें हमने कर रखा है कि अगर आप बैक टैप करते हो दो बार तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा, जस्ट सिंपली दो बार बैक टैप और स्क्रीनशॉट, या फिर आप इसको और कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो अगर बैक टैप करके अलग अलग चीज़ें भी आप कर सकते हो यहाँ पे यूज़। जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है लॉक के लिए कि अगर पीछे आप दो बार बैक टैप करते हो तो आप इसको लॉक भी कर सकते हो, और तीन बार करके आप कैमरा भी कर सकते हो ओपन। इसमें शायद कॉन्फ़िगर्ड है नहीं, बट वो मेरा आईफोन 12 में कॉन्फ़िगर्ड है। तो ऐसे करके शॉर्टकट्स जो भी आपको करने हैं वो भी आप कर सकते हो यूज़। उसके अलावा आपको जैसे कि नोटिफिकेशंस वगैरह चाहिए रहती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि आपने मान लो फ़ोन अपना चार्ज पे लगाया है और फिर आपको चाहिए कि जैसे ही वो हो जाए प्लग या फिर चार्ज मतलब हो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशंस आए, तो आप वो भी इसमें जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक और बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि आप अगर मान लो अपना फ़ोन आपके घर में किसी और को भी देते हो या फिर या किसी बच्चे को या फिर किसी और को भी, और आप ये नहीं चाहते हो कि वो उस ऐप के अलावा कोई और ऐप यूज़ करे जैसे कि मान लो YouTube या फिर गेम्स, तो आप वहाँ पे जाके ये गाइडेड एक्सेस जो है एक्सेसिबिलिटी में जाके गाइडेड एक्सेस आप ये एक्टिवेट कर सकते हो। और ये एक्टिवेट करने के बाद सपोज़ आप YouTube में जाके, कहाँ गया YouTube में जाके आप अगर इस साइड वाले बटन को तीन बार कर देते हो ये, तो इसके बाद आप देखिए अब वो कहीं से भी स्क्रीन के बाहर नहीं जा पाएगा और इसी में वो यूज़ कर सकते हैं उसको, जब तक आप उसको पासकोड या फिर फेस अपना शो करके एक्सेस नहीं करते हो। अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं करा है, इफ़ आई स्टार्ट इट तो उसके बाद ये लॉक कोड मांगेगा। ये रहा स्टार्ट सेट पासकोड, ये रहा, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप देखिए अब कोई चाह के भी इस ऐप से बाहर नहीं जा सकता। तो अगर आप अपने बच्चे को या फिर किसी को भी फ़ोन दे रहे हैं जो आप नहीं चाहते वो यूज़ करें तो उसके लिए फिर आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और फिर आपको अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे तीन बार क्लिक करके फिर अपना वही पासकोड डालो एंड देन यू आर गुड टू गो। तो ये था गाइडेड एक्सेस जो कि ख़ास तौर पे शादीशुदा लोगों के लिए बहुत होगा नीड जिनके बच्चे हैं।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आईफोन 14 में ही अभी तक है, वो है आपका सैटेलाइट कॉलिंग का, जो फ़िलहाल US और कनाडा में ही एक्टिव है, बाकी बहुत जल्दी वो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये था आज तक आज का बेस्ट कुछ ऐसे ऑप्शन जो शायद आपको आइडिया ना हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी और क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।